ये वैलेंटाइन डे आप कैसे मनाते हैं? क्या है इसमें? ये किसकी परंपरा है? ये कहां से खड़ा हुआ था? इटली के जन्मे हुए एक व्यक्ति थे, कट्टर ईसाई थे, सेंट वैलेंटाइन बन गए थे। उन्होंने एक लड़की के साथ शादी की थी। वहां के राजा को यह नागवार गुजरा था। वे उन्हें ईसाइयत से और इस प्रेम से तब्दील करना चाहते थे। 14 फरवरी को उनकी मौत हुई, उनकी याद में वैलेंटाइन डे प्रारंभ हुआ। आपके कौन मरा जिसके लिए आप वैलेंटाइन डे मना रहे हो? कौन सा इतिहास आपके घर में रचा गया कि जिसके लिए वैलेंटाइन डे मना रहे हो? शादी का दिन मना लेते, और पति और पत्नी का प्रेम तो सदैव होना चाहिए, प्रतिपल होना चाहिए। वो मात्र चमड़ी का नहीं होना चाहिए, वो दिल का होना चाहिए। हम सब चमड़ी के पुजारी हैं, इसलिए आप में से बैठे हुए लोग, माफ करना, साधु हूं जिन शासन का और आचार्य हूं फिर भी बोल रहा हूं, हम सब चमड़ी पसंद करने वाले लोग हैं। हम सब खूबसूरती सिर्फ देखते हैं, हम नाक देखते हैं, होठ देखते हैं, आंखें देखते हैं, उसकी स्टाइल देखते हैं, उसकी अदाएं देखते हैं, उसकी कमर देखते हैं, उसके गाल और नाक नक्श देखते हैं और दीवाने बनते हैं। हम बेहूदे गंदे लोग हैं और इसीलिए हम वहीं पर अटके हैं, और इसीलिए हमारे प्यार का तकाजा, प्यार का अर्थ, प्यार का रूप भी सिर्फ चमड़ी तक सीमित है। अगर उसके आगे है तो वैलेंटाइन डे की आवश्यकता नहीं है। मेरे बाप भी प्यार करते थे मेरी मां से, और मेरी मां भी प्यार करती थी मेरे पिता से। आपके पिता ने भी प्यार किया होगा आपकी मां से, और आपकी मां ने भी प्यार किया होगा पिता से। जरूर उनके वहां पर उस समय उस रूम को सजाने के लिए गुलाब के फूल नहीं रहे होंगे, कोई रूम स्प्रे या बॉडी स्प्रे नहीं रहा होगा, वो टब नहीं रहे होंगे कि साथ में बात कर सकें, इसके सिवाय अन्य अन्य प्रकार के संसाधन नहीं रहे होंगे, पुष्नो शैम्पू वो खूबसूरती के अन्य अंदाज नहीं रहे होंगे, तर भी जीवन की पवित्रता रही होगी, समर्पण का भाव रहा होगा, वो अर्धांगिनी का रूप रहा होगा, वो गहरी आत्मीयता रही होगी, वो दिल रहा होगा, वो प्यार रहा होगा, वो घनिष्ठता रही होगी। मेरे ख्याल से हम में से अधिकांश के मां बाप ने अभी तक मां ने बाप को नहीं छोड़ा और बाप ने मां को नहीं छोड़ा, न तल्लाक दिया, न ऐतराज किया, न हमारी मां अपने बाप को छोड़कर पियर गई, और न मेरे पिता ने कभी अपनी मां को घर जाने के लिए कहा। भले ही मेरे पिता जाड़े रहे होंगे या आपके किसी के पिता मोटे रहे होंगे, मां दुबली पतली रही होगी, तब भी ये जोड़ा कामयाब रहा होगा। भले पिता काले रहे होंगे, मां गोरी चिट्टी रही होगी, तब भी वो जोड़ा कामयाब रहा। भले मां लंबी रही होगी, पिता बिल्कुल ठिंगू रहे होंगे, ठिंगने रहे होंगे, तब भी वो जोड़ा कामयाब रहा। भले पिता अक्कल वाले रहे होंगे, मां अनपढ़ रही होगी, तब भी वो जोड़ा कामयाब रहा। आज तो हम इंच इंच देखते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर देखते हैं। आज हम देखते हैं कि उसकी आंखें बराबर नहीं है, उसके होठ बराबर नहीं है, वो बोलती है तो वो यूं यूं बोलती है, या फिर वो जो है ना वो देखता है तो बार बार यूं यूं देखता है, इसलिए मुझे ऐसा पसंद नहीं है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी लेकर हाथ में, कि हम चमड़ी के पुजारी हैं, हम दिल कब तलाशेंगे, हम अच्छी व्यवस्थाएं कब खड़ी करेंगे, हम संस्कारों की चिंता कब करेंगे, एक अच्छी इंसानियत के तौर पर इस दुनिया में ज्ञान का दिया कब जलाएंगे। अरे सब साधु तो बन नहीं सकते ये मैं मानता हूं, सब साधवियां हो नहीं सकती ये मैं मानता हूं, शादी करना आवश्यकता है जिंदगी की, हर कोई त्यागी बनकर के इस मार्ग पर आएगा नहीं, अधिकांश लोग ग्रस्त जीवन ही पालेंगे, तो पाणी ग्रहण होगा, विवाह होगा, और विवाह के बाद कौन क्या करता है ये मुझे कुछ कहने की और पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ग्रस्त धर्म है, ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त एक आधार है, इसे महावीर ने अलग से एक परंपरा कहा है, एक धर्म की व्यवस्थाएं दी है, लेकिन महावीर चमड़ी के आधार पर बातें करने वाले या चमड़ी को प्रमुखता देने वाले इंसान नहीं, उन्होंने उससे ऊपर अट करके न्याय नीति प्रामाणिकता पवित्रता प्रेम भाईचारा लगाव मैत्री आत्मीयता सबकी बातें की।